So guys, everybody, I'm going to start, revision of your tenses and passive, and I will ask you questions as well. मैं चाहता हूँ कि आप एकदम परफेक्ट हो जाए, मतलब कहीं से कोई दिक्कत ना हो इन दोनों के अंदर. ओके 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 फाइन. सो लेट मी रिवाइज आल्सो. फाइन गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले गाइस, अगर मैं ऐसा बोलूं, आप लोगों ने पैसिव पे खूब काम किया है, लेकिन आपने क्या इस पैसिव पे काम किया है कि अगर मैं बोलूं यार ओपन द डोर, अब मैं बोलूं कि इसका पैसिव बना दो, तो इस पर कभी ध्यान दिया कैसे होगा? एनी 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 आइडिया? नो सर, इट इज अ इंपरेटिव सेंटेंस. यस, आठ, ये आठ में से नहीं है. आठ पैसिव तो आई थिंक सारे लोग एक्सपर्ट है, मैं पूछूंगा भी, बट अचानक मेरे दिमाग में आया दैट आई शुड टॉक अबाउट दिस टू. जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं ओपन द डोर या दरवाजा खोलो, तो इसका हम पैसिव कैसे बोलेंगे? तो इसका हम पैसिव ऐसे बोलेंगे कि आपको लेट का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है, लेट के बाद आप क्या करेंगे कि लेट के बाद जो चीज आपको दिख रहा है, जैसे आपको दरवाजे को खोलना है, आप उसको उठा लीजिए, लेट द डोर, यहां पर लगा दीजिए बी, और यहाँ पैसिव मतलब V3, तो सबको पता है ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन, बी ओपन. तो अचानक आपका हो जाएगा कि लेट द डोर बी ओपन. ओके, अब इसका डायरेक्ट पैसिव भी हम सोचेंगे, और डायरेक्ट भी इसका इस्तेमाल स्पोकन में होता है. ओके, जैसे अचानक मैंने कहा कि इस काम को खत्म होने दो यार, तब हम खेलेंगे. पुनीत ध्यान देना, मैंने कहा इस काम को खत्म होने दो, मैं हिंदी में लिखता हूँ इस काम को खत्म होने दो. अब तो बंदा फंस गया. Let this work to be finished. Let me do this work. अब इसीलिए पैसिव कराना मुझे आज जरूरी लग रहा था कि ये तो टेंस है नहीं. टेंस का तो आप कर, तो टेंस नहीं है, अभी तो आठों में से तो आ नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? तो हमने सोचा ही पैसिव में, अब हम जवाब ही पैसिव में देंगे. इसको ट्रांसलेट पैसिव में करेंगे कि लेट दिस वर्क बी, या तो डन कह दो या फिनिश कह दो. Let this work be finished first. ऐसे spoken English कर रहे हैं. Let this work be done यार. इसको आप done भी कह सकते हो. Finished अगर नहीं पसंद तो done भी कह सकते हो. कि let this work be done, then we will go to market or we will do anything. Okay? और इस पे सोचते हैं. जैसे हम कहते हैं, अच्छा रुको यार, पहले कपड़े धुल जाने दो. ऐसा बोलते हैं ना कई बार हिंदी में कि पहले यार कपड़े धुल जाने दो, तब हम कुछ करेंगे. तो मैंने बोला कि पहले कपड़े धुल जाने दो. तो बिना सोचे आप लेट उठा लीजिए, सीधा बोलिए लेट. आप कैसे बोलेंगे कि लेट द क्लोथ्स, लेट द क्लोथ्स बी वॉश्ड, फिर हम कहीं जाएंगे या कुछ करेंगे. ओके फाइन. ओके सर, तो कभी भी बोलना हो कि इस काम को हो जाने दो, तुरंत ऐसे निकलना चाहिए. अच्छा, जिसको नहीं पता वो तो ऐसे बोलेगा ना, वो अपना नाम लेगा कि मुझे खत्म करने दो, लेट मी complete the finish. Work, या finish the work, कैसे बोलेगा? Let me finish the work, इस तरीके से बात करेगा. या let him finish the work. But अगर आपको ऐसा बोलना है कि इस काम को हो जाने दो, तो आप let से शुरू कीजिए, बी जरूर लगा दीजिए. और सोचिए. Okay sir. पहले काम करो, इस कमरे को साफ हो जाने दो, फिर हम लोग यहाँ बैठेंगे. कैसे बोलेंगे? Let the room be clean. Let this room be clean. This room be clean. Clean. Then we will sit here. We will sit here. Then we will sit here. जैसे कि आपकी बच्ची कह रही है कि मम्मा चलो ना बाहर चलते हैं, तो आपने बोला कि बेटा पहले इस काम को खत्म हो जाने दे बेटा, तब चलेंगे. तो कैसे बोलेंगे? Let this work be complete first. Completed first. Let this work be finished. We will go to market. Then we will go to market outside. Whatever. सर, इसको कैसे बोलेंगे? पहले रिपोर्ट बन जाने दो, फिर उसको चेक करना. वही लेट द रिपोर्ट बी मेड, प्रिया प्रिपेयर्ड, यही होगा ना. लेट द रिपोर्ट बी मेड, रिपोर्ट बनता ही है ना, मेक मेक. तो लेट द रिपोर्ट बी मेड, तब हम कुछ बात करेंगे. ओके फाइन. ओके, अब इसको कैसे बोलेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आ जाने दो, इसका बन सकता है? Let the postmortem report be made. अगर पैसिव बनाएंगे तो हमें बी भी चाहिए. वैसे तो आप एक्टिव भी बना सकते हैं, बट अगर पैसिव बनाएंगे तो कैसे? एक कोई आ रहा है, रुक जाइए, अल्फोंसो इधर.
करके देखते हैं कि लेट द पोस्टमार्टम अरे क्या हो गया पोस्टमार्टम अच्छा ऐसा है हाइफन जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मैं बी लगा दूं उसे आने तो आना मतलब रिवील होना है वी रिवील्ड लेट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट बी रिवील्ड पहले उसको रिवील हो जाने दो देन वी विल से समथिंग तो आप अपने हिसाब से कोई सिचुएशन देखना पोस्टमार्टम रिपोर्ट चलो सूट नहीं भी कर रहा क्योंकि हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं लेकिन ये काम ख़त्म हो जाने दो ये तो पक्का बात करते हैं खाना बन जाने दो यार कपड़े धुल जाने दो पहले ओके उसे आ जाने दो फिर चलते हैं पहले बोलते हैं उसको जाने दो हाँ ये एक्टिव है ये तो नॉर्मल है जैसे उसे जाने दो ये तो नॉर्मल है लेट हिम गो ये तो नॉर्मल हो गया कुछ ऐसा सोचो कि जिसमें यहाँ जाने वाला बंदा यहाँ दिख रहा है यहाँ पर हिम जो है ये जाने वाला बंदा दिख रहा है लेकिन मैं बोलूँ इस काम को हो जाने दो अब कौन करेगा यू ही वी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना सीधा इस काम को हो जाने लेट इट बी तो लेट इट बी का मतलब कि रहने दो लेट इट बी जैसा वैसे रहने दो ये ऐसा हो गया तो मुझे जैसे कुछ सोचिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि पहले सैलरी खाना बन जाने दो बाद में खाते हाँ तो पहले खाना बन जाने दो तो लेट द फूड बी कुक्ड इस तरीके से अच्छा मेरी सैलरी बढ़ जाने दो आप कैसे होगा मेरी सैलरी बढ़ जाने दो let my salary be increased तो ये पहले बारिश बंद हो जाने दो हाँ ये भी है बट इसको हम एक्टिव में ही बोल सकते हैं let the rain stop तो नॉर्मल हो जाएगा let the rain stop rain अपने आप स्टॉप हो गई हो जाएगी पर इसको कैसे बोलेंगे जैसे मेरा प्रमोशन हो जाने दो अब, वो तो क्वासी करता नहीं अब यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि पहले या तो एक्टिव नहीं तो पैसिव अगर पैसिव करेंगे तो इससे अच्छा एक्टिव कर दीजिए कि लेट मी गेट प्रमोशन है सबसे बेस्ट तो ये लग रहा है लेट मी गेट प्रमोशन क्योंकि आई थिंक यही ज्यादातर बोलेंगे जबरदस्ती अगर मैं पैसिव कर भी दूं लेट माय प्रमोशन बी गिवन टू मी अजीब हो जाएगा तो यही सही है लेट मी गेट प्रमोशन फर्स्ट तो कई बार अगर इसकी नौबत आए तो मैं चाहता हूँ ये हथियार भी हो आपके पास ये लेट वाला जो हथियार है ओके कि पहले सफेदी हो जाने दो पहले कमरे का पेंट हो जाए यहाँ तो सूट कर रहा है ना तो अब बोल सकते हैं कि पहले पेंट हो जाने दो मेरे कमरे को पहले पेंट हो जाने दो कैसे होगा लेट माई रूम बी पेंटेड फर्स्ट और फिर आप आगे जोड़ दीजिए कि तब देख लेंगे ओके जैसे कि पहले इस घर को बन जाने दो तब खरीदेंगे ऐसा भी हो सकता है ना लेट दिस हाउस बी मेड या बिल्ट भी कह सकते हैं कंस्ट्रक्टेड ओके देन वी विल टॉक वी विल बाय तो ये एक छोटा सा जुमला था जो जरूरी था ओके जैसे ज्योति जी ऑफिस में है कहती है कि अच्छा रुकिए भैया पहले फाइल चेक हो जाने दीजिए तब हम बात करेंगे ना तो कैसे बोलेंगे लेट द फाइल बी चेक फाइल बी चेक फर्स्ट देन वी विल टॉक देन वी विल टॉक तो मुझे लगा कि इसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी आप लोग ऑफिस वगैरह में काम करते हैं तो पड़ जाएगी ओके पहले ईमेल तो जाने दो let the email be sent email be sent okay fine तो इस पर थोड़ा सा सोचिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं ओके सर get और make वाला भी सर कोशिश करूं बचा लेंगे ठीक है हाँ सर थोड़ा सा ठीक रहेगा वो ठीक है तो digest अगर हो सकता है तो मैं कोशिश करता हूँ गेट वाला तो वो पैदाइशी पैसिव है मैं मेक वाले को बता रहा हूँ एक्चुअली जो मेक कॉजिटिव जो होता है
ऐसे मैं बोलूँ कि आई विल मेक यू ड्रिंक अल्कोहल, तो इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं दो बंदे हैं, एक पीना नहीं चाह रहा, दूसरा कह रहा मैं तो तुझे पिलाऊंगा, फोर्स पिलाऊंगा, ना फोर्स वाली फीलिंग आ रही है। तो आई विल मेक यू ड्रिंक में तो ये पूरा एक्टिव है कि आई नाम का व्यक्ति जो है ये यू नाम के व्यक्ति को पिला देगा अल्कोहल। अब अगर मैं बोलूं कि तुझे तो बेटा आज पिलाया जाएगा, अब क्या होगा, तुझे आज पिलाया जाएगा, यानी कि कोई यू विल, हाँ यू विल टू मेक ड्रिंक, ठीक है मैं थोड़ा बोलता हूँ कि we'll इसमें कहीं भी ये आई वाई जैसा तो कोई ठेकेदार दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पिलाऊंगा और मैं ये करा दूंगा, कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ यू नाम का व्यक्ति दिख रहा है और हम कह रहे हैं कि बेटा तुझे तो पिलाया जाएगा, तुझसे ही आज इस कमरे को साफ कराया जाएगा और तुझसे ही सारे कपड़े धुलवाए जाएंगे, यानी कि धोने वाला तू होगा, सब कुछ करने वाला तू होगा, लेकिन जो तुझे फोर्स करेगा वो गायब है, वो तो नहीं दिख रहा है ना इसके अंदर, देख रहे हैं, तुझे आज पिलाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये तुझे को उठा लेंगे, यू को उठा लेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें टेंस भी छुपा है, पिलाया जाएगा मतलब फ्यूचर है तो टेंस भी छुपा है, तो हमें टेंस का पैसिव तो आता है, विल बी लगेगा पता ही है। अब यू विल बी के बाद हमें यहाँ पर मेक का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, मेड टू ड्रिंक, मेड, और यहाँ पर पुनीत ध्यान दीजिएगा, आपको टू पक्का लगाना है, यहाँ 100% लगाना है, यू विल बी मेड टू, बाकी बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म। आप कहेंगे पैसिव तो थर्ड होता है, वो सारा थर्ड ये ले गया, ये जो मेड है ना ये सारा थर्ड ये ले गया, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ा, ड्रिंक को बेचारे को इन्फिनेटिव में ही रहना है, ऐसे कर देता हूँ। तो यू विल बी मेड टू ड्रिंक, मैं एक और एग्जांपल मैं ऐसे लिख ही देता हूँ, आप क्या करना, सब्जेक्ट को उठाना, आप देख लेना कि उसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूट करेगा, विल बी सूट करेगा, मतलब मैं लिख ही देता हूँ, उसमें इज सूट करेगा, आर सूट करेगा, एम होगा, या हैव बीन वाला पैसिव आएगा, या हैज बीन आएगा, हो सकता है कि वाज वाला पैसिव आ जाए, पास्ट होगा तो वर वाला पैसिव आ जाए, अगर फ्यूचर होगा तो कौन सा आ जाएगा, विल बी वाला पैसिव। इसके तुरंत बाद आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, तो आप क्या करोगे, मेक का थर्ड कर दोगे, तो मेक का थर्ड हो जाएगा मेड, और इसके बाद आपको टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, बस ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, याद हो जाएगा ये स्ट्रक्चर इतना बड़ा, यस सर, कोशिश करते हैं। अब मैं इसको लेता हूँ, इज आर एम में ले लेता हूँ, मैं बोलूँ कि मुझसे रोज कपड़े धुलवाए जाते हैं, तो मुझसे मतलब मैं आई बोलूँगा पहले, आई, आई के साथ क्या सूट करेगा, एम, एम, अब एम हो गया हमारा, अब इस एम के बाद डायरेक्ट क्या है, मेड है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम मेड, फिर हमारा रूम, आई एम मेड टू वॉश्ड क्लोथ्स, आई एम मेड टू वॉश क्लोथ्स डेली, डेली मुझसे कपड़े रोज धुल, कहाँ गया, हाँ धुलवाए जाते हैं, है ना, फाइन, मैं टेंस बदल रहा हूँ, जैसे अगर माधुरी बोले कि कल मुझसे कमरे को साफ करवाया गया, अब इतनी सी इंग्लिश वो कैसे बोलेगी, आई अपने आप को आई बोलेगी, पास्ट है तो वाज, आई वाज मेड टू क्लीन द रूम, बहुत बेहतरीन आइटम है, आप गेट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जिसने आपको धुलवाया होगा दो ही बंदे की बात हो रही है, एक आपने जो धोया, आपने साफ किया, और दूसरे ने आपको फोर्स किया होगा, यही है ना, जब दो लोग होते हैं तो आपको पता है मेक का इस्तेमाल होता है, फाइन, और कुछ सोचिए कि कल यार मुझसे खाना बनवाया गया, भाई मैं चाहता नहीं था बट मुझसे बनवाया गया, मैं चाहता नहीं था, आई डिडंट, कैसे होगा, आई डिडंट वांट टू कुक फूड बट मुझसे बनवाया गया, आई वाज मेड टू कुक, कितना बेहतरीन है ना, चाहता नहीं था बट आई वाज मेड टू, जैसे बोलेंगे आई वाज मेड टू ऐसा लगेगा कि आई वाज फोर्स्ड टू, इस मेड की जगह क्या मानकर हम चलेंगे, फोर्स्ड, इस तरीके से, इसकी जगह हम क्या मान के चलेंगे, कंपेल्ड, इतने सारे ऑप्शंस, अगर आपको मेड अच्छा ना लग रहा हो,
फोर्स बोलने से ना पता चलता है कि वाकई फोर्स किया है. मेड से तो फिर भी थोड़ा लगता है कि अच्छा धुलवाया, फोर्स में तो फोर्स ही दिखने लगता है ना, साफ पता चल रहा है. कंपेल में पूरा मजबूर कर दिया मुझे, तो आपको कंपेल पूरा दिखाई दे रहा है. मेड में थोड़ा सा सब छुपा रहता है. ये है. तो कोई सेंटेंस बोलिए माधुरी, कोई सेंटेंस ऐसा बोलो, सोचो कुछ. बोलो कोई सेंटेंस. सर मुझे पढ़वाया गया. देखो पढ़वाया गया मत बोलो सर, मुझसे मशीन सही करवाई गई. हाँ ये सब ज्यादा पढ़वाया गया. ठीक है, अगर मतलब पढ़वाया गया भी कोशिश करते हैं कि किसी ने इनको फोर्स किया कि किसी को पढ़ाया, यही है ना पढ़वाया गया. कोई भी काम आपसे कराया गया पास्ट में तो आप बोलो आई वॉज मेड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो. ओके कैसे होगा कि मुझसे कार को साफ करवाया गया. I was made to clean the car. I was made to clean the car. Fine. Okay. तुमसे इस रूम को डेकोरेट करवाया जाएगा. I will be made to decorate the room. Okay. Fine. Lovely. और अगर मैं इसका पैसिव हटा दूं, सिर्फ इतना बोलूं कि मुझसे इस कमरे को डेकोरेट मत करवाओ. अब डोंट मेक दिस रूम डेकोरेटेड. नहीं शीतल का सही है या पुनित का सही है कि डोंट मेक मी डेकोरेट दिस रूम. क्योंकि हम डायरेक्ट किसी को कह रहे हैं, सामने वाला बंदा हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि भाई मुझसे इस काम को मत करवाओ, प्लीज डोंट मेक मी डू दिस वर्क, यू नो ऐसे बोलेंगे. ओके और सोचो, मुझसे बर्तन मत धुलवाओ. डोंट मेक मी डू डिशेस. डोंट मेक मी डू द डिशेस. बर्तन या क्लीन पॉट्स. ओके इससे काम मत करवाओ. डोंट मेक मी डू एनी वर्क. ये ठीक. अब मुझसे कोई काम करने को कहो ही मत. अब डोंट आस्क मी टू डू एनी वर्क. फाइन. ओके उसने मुझसे टायर चेंज करवाया, गाड़ी का टायर चेंज करवाया, कैसे होगा. He made me. ये पैसिव नहीं है. He made me change the tire. ये पैसिव नहीं है, ये एक्टिव है. उसने कराने वाला साफ दिखाई दे रहा ही, तो he made me change the tire. अब अगर मैं इसका पैसिव करूं कि मुझसे टायर चेंज करवाया गया, अब पैसिव है ये. गेट वाला तो होता ही है पैसिव. वो तो होता है कि मैं मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ, तो होता है आई एम गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड, वो तो पैसिव ही है. फाइन. अब मैं मिक्स पूछता हूँ, तो सबसे पहले टारगेट है शीतल. शीतल ओके चलिए. अब मैं चाहता हूँ रैपिडली हो, मतलब वक्त ना लगे. 3 सेकंड आपको मिलेगा, 3 सेकंड. बाकी लोग टर्न ऑफ देयर ऑडियोस प्लीज. ओके मिक्स है डियर, ये मिक्स है. 5, 6, 7 गो. मुझे परेशान मत करो. डोंट बॉदर. और मुझे परेशान किया जाता है, तुरंत पैसे आ गया. ओके मुझे परेशान किया जाता है. किसी से बनेगा मुझे परेशान किया जाता है. I am bothered. ओके मुझसे इस टेबल को साफ मत करवाओ प्लीज. Don't make me clean the table.
याद रखिए पुनीत आप लोग कि पैसिव में ही बस आप टू लगा सकते हैं, एक्टिव जो इसका बिना टू वाला है, जैसे जैसे कि डोंट मेक मी क्लीन द टेबल, माधुरी ने मुझे हंसाया, अभी एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है, तो क्या होगा कि माधुरी मेड मी लाफ, इसमें कोई टू आ ही नहीं सकता, कोई टू नहीं, लेकिन मुझे हंसाया गया, अब ओके मुझसे चपाती बनवाया गया, चपाती I was made to make chapati. है ना, कितना अच्छा मेक का इस्तेमाल है. ओके फाइन. अच्छा मैं थोड़ा इसमें गेट वाला भी मिला देता हूँ कि कल मैं एक मोबाइल रिपेयर करवा रही थी. Okay. I was getting my mobile repaired. वहाँ पर मुझसे मोबाइल को पकड़वाया गया. अब होल्ड करवाया गया मोबाइल को. I was made to hold the mobile. Okay. मुझसे स्क्रू खुलवाए गए. Okay. I was made to open the screw. Fine. तो अब समझ में आ रहा है. Fine. तुम इस कमरे को कब पेंट करवाओगे यार? कैसे होगा? Okay. Then you will be painted this. ये एक है तो गेट का पैसिव है, बट हम सामने वाले से तो नॉर्मल कह सकते हैं कि व्हेन विल यू, इतना तो हम टेंस बोल ही सकते हैं. हां हां, व्हेन विल यू गेट दिस रूम पेंटेड. हां फाइन. तुम कब अपना टीवी रिपेयर करवाओगे? व्हेन विल यू बी रिपेयर योर टीवी. नहीं नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा. व्हेन विल यू गेट योर टीवी रिपेयर्ड. इसको थोड़ा समझना है, मैं समझाऊं थोड़ा सा. हाँ फुल, आजकल सारी क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. यस सर. ठीक है, और आप लोग चेहरा तो छुपाते ही हैं तो कोई बात ही नहीं है. फाइन. अभी गेट वाले में क्या होता है, अगर मैं गेट को ऑर्डर में ले लूँ, ऑर्डर ले लूँ या रिक्वेस्ट ले लूँ, अब मैं सीधा बोलूँ कि इस कमरे को पेंट करवा दो, इस कमरे को पेंट करवा दो, तो आपको पता है कि हाँ, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर हम सामने वाले को देते हैं, तो उसको यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यू छुपा रहता है, ये तो सबको पता है. सामने वाला जैसे हम कहते हैं यहाँ आओ, तो हम सीधा कहते कम हेयर, हम कभी भी यू कम हेयर नहीं बोलते, वो अंडरस्टूड रहता है, ये तो क्लियर है ना सबको? यस सर. तो हमेशा सुना होगा कि सिट डाउन, हमेशा ऐसा सुना होगा सिट डाउन, बैठ जाओ. yes. यानी कि हमने डायरेक्ट वर्ब क्यों बोला, इधर वाला सब्जेक्ट जो है वो क्लियर है कि सामने वाले को ही कह रहे हैं हम. तो इसीलिए हम जब किसी को ऑर्डर देंगे कि इस कमरे को पेंट करवाओ, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, गेट से शुरू करेंगे, डायरेक्ट हम गेट से शुरू करेंगे. गेट के बाद जिस चीज को हमें करवाना है उसका नाम लेंगे, उसके बाद लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट दिस रूम पेंटेड. तो हमारा हो जाएगा गेट दिस रूम पेंटेड. ये तो ऑर्डर में हो गया, हम किसी को डायरेक्ट कह रहे हैं कि यार मेरा मोबाइल रिपेयर करवा दो ना यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गेट माय मोबाइल रिपेयर्ड, गेट माय मोबाइल रिपेयर्ड. ओके फाइन. कुछ भी करवा दो. ओके यार उस लड़के को पिटवा दो यार, प्लीज Get that boy beaten. इस तरीके से. तो ये तो नॉर्मल एक ऑर्डर वाला रिक्वेस्ट वाला है, लेकिन अगर मैं इसको टेंस में ले आऊं, तो भैया आपको टेंस का तो पूरा ज्ञात, मतलब उसका यूज करना पड़ेगा टेंस का. कैसे? यहाँ पर हम किसी को कह रहे हैं कि तुम करवा रहे हो, तुमने उसको पिटवा दिया, हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो जिसको हम ब्लेम करेंगे या जो क्रेडिट लेगा उसका जिक्र यहाँ करना पड़ेगा सब्जेक्ट. उसके बाद जैसा टेंस होगा, अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दीजिए, जैसे am, is, are, was, were है तो लगा दीजिए,
नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो आप टेंस लगाते हैं तो उस टेंस में जो आप वर्ब लगाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि आई एम ईटिंग, जैसे आप ईटिंग बोलते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ गेट है, आप गेट को बदलिए जितना बदलना है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर आप विल लगाएंगे तो यहाँ पर गेट होगा, अगर यहाँ आप एम कर देंगे तो गेट क्या हो जाएगा, गेटिंग हो जाएगा टेंस के हिसाब से। यस सर, आपको गेट को बदलना है। तो मैं गेट को लिख देता हूँ कि गेट क्या है, चेंजेबल है। सर गेट फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे। हाँ जी, तो गेट आपका बदलेगा, गेट पूरा फॉर्म लेगा। ओके, उसके बाद आप फिर वही चालू हो जाइए, वही ऑब्जेक्ट वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, इतना ही तो करना है। मतलब यहाँ तक आपको टेंस लगाना है पुनीत, यहाँ तक टेंस लगाना है, और यहाँ से ऐसे ही मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इस मोबाइल को रिपेयर करवाऊंगा, तो करवाऊंगा कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर हो गया, फ्यूचर मैं करवाऊंगा, तो ये सब्जेक्ट मैं की इंग्लिश हो गई आई, फ्यूचर में आई के साथ विल, आई विल गेट, आई भी हो गया विल भी हो गया। अब रूल है कि इसके बाद आप देखो कि गेट का कौन सा फॉर्म आएगा, तो विल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आता है आई विल गेट, बाकी आप जैसा है वैसा इधर वाला उठाइए, मोबाइल को बोलेंगे मोबाइल आई विल गेट दिस मोबाइल, बाकी थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। ओके, मैं टेंस अगर बदल रहा हूँ, मैं बोलूँ कि तुम मोबाइल रिपेयर करवा रहे थे, तुम मतलब यू पास्ट कंटिन्यूअस है, वर लग जाएगा, अब गेट बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना, बदलेगा, यू वर गेटिंग दिस मोबाइल, कोई आ रहा है एक मिनट, फाइन, तो यू वर गेटिंग दिस मोबाइल मोबाइल रिपेयर्ड मान लो कल, यस सर, तुम मोबाइल रिपेयर करवा चुके थे, चुके थे ना, पहले हो चुका था, तो यू करवा चुके थे, पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगा देंगे, You had been already भी लगा देते कि you had already got the mobile repaired। यहाँ इधर हम पूरा टेंस खेलेंगे, इधर हम पैसिव नहीं कर रहे हैं, ये जो आप ये जो देख रहे हो ना, ये इधर हम नॉर्मल जो टेंस होता है, मैं करवा रहा हूँ, रही हूँ, चुका, जो भी आप लोग टेंस में बात करते हो यहाँ तक वो है, सारा खेल आपका यहाँ पर है इधर थर्ड फॉर्म, इसको समझिए आप। मैं कुछ और बोलता हूँ, कोशिश कीजिएगा, जैसे तुम इस कमरे को कब पेंट करवाओगे, तो हम अगर किसी को बोले कि तुम कब जाओगे तो हम कैसे बोलते हैं, when will you go, तो जैसे हम when will you go बोलते हैं वैसे हम बोलेंगे when will you get, यहाँ तक तो हम वैसे बोल रहे हैं when will you get, बिल्कुल ऐसे बोलना, ये टेंस हो गया। उसके बाद आप आइटम कौन सा है, आइटम है मोबाइल, जैसे ये कमरा है तो दिस रूम, रूम उसको थर्ड में कर दो, पेंट है तो पेंटेड कर दो, सिंपल, व्हेन विल यू गेट दिस रूम पेंटेड, इतना करना है। ओके सर, सॉरी टू द इंटरप्ट, इस क्वेश्चन की हिंदी क्या होगी, व्हेन विल यू गेट दिस रूम पेंटेड, यानी कि आप इस कमरे को कब पेंट करवाओगे, ऐसे होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि आप कब मेरे कपड़े धुलवाओगे, खुद धोओगे नहीं, धुलवाओगे, ओके, व्हेन विल यू गेट, वॉश माय क्लोथ, विल यू गेट, तक तो हमें ऐसे रहना, व्हेन विल यू गेट, यस, इसके बाद हमें आइटम उठाना है, वर्ब वॉश नहीं लगाना, वो आइटम कपड़े में क्या बोलते हैं, माय क्लोथ, हां माय क्लोथ, व्हेन विल यू गेट माय क्लोथ वॉश्ड, वॉश्ड, ओके, मान लो कि आपके घर में कोई बच्चा, उसके बाल बड़े हैं, हम कह रहे हैं तू कब बाल कटवाएगा यार, कब बाल कटवाएगा, कैसे बोलेंगे, when will you get, यहाँ तक तो हमको बोलना है when will you get, अब पहले हम उस बाल को उठाएंगे, कट को नहीं उठाएंगे, your hair, when will you get your hair, और कट का थर्ड फॉर्म कट ही रहता है, ओके सर, got it, got it, but कट इसलिए सर, गेट इसलिए हमने यूज किया है कि हमने किसी से ये काम करवाना है, जी जी जी, अच्छा मान लो जिसको ये नहीं पता होगा इंद्रप्रीत, वो क्या करेगा, ऐसे बोलेगा कि व्हेन विल यू कट योर हेयर, यू नो, यस सर, या अगर आपने ऐसा बोला इसका मतलब है कि तू अपने बाल खुद क्यों, कब काटेगा, वो खुद ही काट लेगा, कब कर सर, तुम मुझे पैसे कब दिलवाओगे, अच्छा जो व्हेन विल यू गेट, पैसे दिलवाना बड़ा ये टफ है,
मतलब पैसे दिलवाना मतलब कि सर लो लो ऐसा जैसे बोलते हैं लोन अप्रूव कब कराओगे? हाँ ये हो सकता है when will when will you get my loan approved. ये तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो पैसे कब दिलवाओगे इसमें पता नहीं चलता है कि वो रिकवर करना है कि उधार लेना है कि क्या है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। कोशिश करें एक बार। अब मैं क्या बोलूँ कि मेरा पैसा कब दिलवाओगे? हाँ लोन सैंक्शन, हाँ सैंक्शन कर, बट ये लोन नहीं। When will you get my money? Money return? हाँ हो सकता है। When will you get my money return? Returned या refunded है? Returned। ऐसा हो आप उससे मुझे कब मिलवाओगे किसी से कहते हैं? या सर हम ये कहें कि ऐसे हमें दिला दो या हमने बोरो का भी यूज कर सकते हैं ना सर? उधार के लिए तो बोरो ही आता है, लेकिन यहाँ पैसे दिला दो, यहाँ रिटर्न से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी को दिया था वो वापस लेने की बात हो रही है, रिटर्न से ये पता चल रहा है। सिंपल जैसे हमने घर में हमसे कोई आके बोले कि हमें कुछ पैसे दिला दो, या को फोन करे कि हमें सर उससे पैसा दिला दीजिए, कि घर में ही किसी को बोले। हाँ सर बोरो का यूज कर रहे हैं ना, जैसे सर बेबी आके बोले कि हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो, हमें वो दिला दो, हमें पैसे दिला दो, हमें साइकिल दिला दो, कार दिला दो। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव ना लगाएं। अगर मैं किसी को ऐसे बोलूं पॉजिटिव थोड़ा अजीब लग जाएगा, क्योंकि हिंदी कई बार ना हिंदी वैसा लग रहा है बट फीलिंग वैसी नहीं आ रही है। एक्चुअली हेल्प भी पॉजिटिव वर्ब है। आपको पता है पॉजिटिव वर्ब कई होते हैं? गेट भी पॉजिटिव है, मेक भी पॉजिटिव है, हैव भी पॉजिटिव है और हेल्प भी पॉजिटिव है। इतने सारे पॉजिटिव वर्ब। कॉज तो कॉज और फोर्स तो अपने आप में है ही। कॉज हो गया, फोर्स हो गया, ये तो मतलब दिख ही जाते हैं कि है, लेकिन ये जो तीनों हमें कार दिला दो नहीं, अगर सिर्फ कार दिला दो ये पॉजिटिव नहीं, ये नॉर्मल गेट का इस्तेमाल दिलवा दो ये नॉर्मल गेट है, ये तो सिंपल है कि गेट मी अ न्यू कार, गेट मी अ न्यू कार, ये तो गेट का एक इस्तेमाल है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है, ये एक नॉर्मल इस्तेमाल है। ओके पैसे दिला दो, मुझे कुछ पैसे दिला दो, गेट मी सम मनी का मतलब ठीक है दिला दो, लेकिन जिस एंगल से है ना कि आप मुझे कुछ पैसे उधार दिलवा दीजिए, यानी कि हम किसी को हेल्प करने के लिए कह रहे हैं कि कुड यू प्लीज हेल्प मी बोरो सम मनी। मतलब मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ कि हम हिंदी के चक्कर में ना पड़े, सिचुएशन फीलिंग ये है, जैसे बोलते नहीं है, मुझे उससे मिलवा दो। हाँ मिलवा दो में गेट नहीं आएगा, मिलवा दो में गेट नहीं आएगा, सामने वाला मैं कह रहा हूँ कि कुड यू मुझसे उसे मिलवा दे, मुझे क्या तुम उससे मिलवा दोगे? Could you please make me meet him? Okay. Meet him. Sir, make कैसे use हुआ? ज्योति जी पहले बोली पहले। सर जैसे मान लीजिए मेरा ड्राइवर हमसे कहता है कि मतलब हस्बैंड ने कि साहब सर से कुछ पैसे दिलवा दी। तो help me, could you please help me? Get some money from sir. To get some money. Okay. ऐसे होगा. Get me some money from sir. Could you please help me get some money from sir? ऐसे मेरे पास मतलब. क्योंकि हमें कई बार ऐसा सोचना पड़ता है कि हम क्या वाकई पॉजिटिव में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ गेट का नॉर्मल, ये नॉर्मल वाला गेट है, ये कोई पॉजिटिव नहीं। To get some money from sir. To get नहीं आएगा। अच्छा हेल्प के साथ एक प्रॉब्लम है कि जब आप हेल्प का इस्तेमाल करते हैं तो 99% टू नहीं लगाया जाता है, 1% लोग लगाते हैं। हेल्प जब आप पढ़ेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। हेल्प जब आप यूज़ करेंगे तो हेल्प में ज़्यादातर जो है वो विदाउट टू चलता है हाई लेवल पे, और कहीं कहीं टू भी लोग लगाते हैं। तो मैं गलत तो किसी को नहीं बोलूँगा, मैं दोनों को ही सही बोलूँगा, बट ज़्यादातर आपको विदाउट टू ही दिखाई देगा। जैसे कि I will help you cook food. किसी ने ऐसे लिखा तो इसका मतलब sir, है कि मैं जानबूझ के वर्ड यूज नहीं करता हूँ कि पगला जाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव क्या बला है। इसीलिए मैं थोड़ा इजीली में कराता हूँ। तो आई विल हेल्प यू कुक फूड, ये बिल्कुल करेक्ट है और 99% करेक्ट है, लेकिन जिसको
इसमें ना टू की कमी महसूस हो रही है कि नहीं यार एक टू होना चाहिए. हाँ, जैसे आ जाता है स्पोकन हाँ, में जैसे तो आई विल हेल्प यू टू कुक फूड, करेक्ट है, ये भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं. तो कमी मैं समझ सकता हूँ, जैसे जब इंसान एक सेंटेंस बोलता है कि व्हेन यू गेट द जॉब, ओके, अब है कि तुम क्या करोगे तो व्हाट विल यू डू, हमने ऐसे लिख दिया, हमने कॉमा लगा दिया, लेकिन लोगों को यहाँ देन की फीलिंग आती है कि अरे देन बोलना था, ऐसा होता है ना कि व्हेन यू गेट द जॉब देन व्हाट विल यू डू, देन से वो सहारा लेना चाहते हैं. तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो सहारा होता है. एनीवेज सर जी, सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, अगर मैं बोलूं कुड यू प्लीज कुड यू हेल्प मी एनीवन, सर इसका क्या होगा सर? ये थोड़ा अजीब लग रहा है. कुड यू मतलब सर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर सकता है क्या? अच्छा, कैन एनीवन हेल्प मी प्लीज, कैन एनीवन हेल्प मी प्लीज, ये हो सकता. एक उनका सवाल था कि मेक क्यों लगा, कि क्या तुम मुझे मिलवाओगे, ऐसा था ना कोई सवाल? यस यस सर, मैंने उसमें लिखा था कि कुड यू मेक मी मीट हिम. Yes. हालांकि बनने को तो बन गया है, बट ये अच्छा भी नहीं लग रहा है. यहाँ भी हो सकता था मिलवाने को, अगर जैसे अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो कि क्या आप मिलवाओगे, तो मैं बोलूँगा कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू हिम, कुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस मी टू हिम, ये हो सकता है, या कुड यू प्लीज हेल्प मी मीट हिम, कुड यू प्लीज हेल्प मी मीट हिम, यानी कि उनसे मिलने में क्या आप मेरी मदद करेंगे, नहीं तो आप अगर आपके थ्रू में जा रहा हूँ तो आप क्या मुझे इंट्रोड्यूस करा देंगे उनसे, मिलना मतलब इंट्रोड्यूस कराना, आखिर कोई किसी को मिलवा रहा है, ये है. और ये जो है कि कुड यू प्लीज मेक मी मीट हिम, ये बिल्कुल मतलब जानबूझ के ट्रांसलेट कर दिया गया है कि हाँ भाई मेक का इस्तेमाल ले लो. तो मैं ये चाहता हूँ कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें सोचना थोड़ा पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल तो है. जैसे कि वही मैं बार बार कहता हूँ कि मेरा दिमाग मत खाओ, तो डोंट ईट माई माइंड नहीं हो सकता है, यू नो, तो डायरेक्ट हिंदी की इंग्लिश नहीं हो सकती. और कुछ सोचिए. कुछ सोचिए, इस काम को करवा दो, कपड़े तो मेरा दिमाग मत खाओ, उसकी क्या हिंदी होगी? डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट बॉदर मी, डोंट टॉर्चर मी, डोंट बॉदर मी. ओके, तुमने अब तक इस कंप्यूटर को रिपेयर क्यों नहीं करवाया? ये तो आराम से गेट में बन जाएगा कि व्हाई डिडंट यू गेट दिस कंप्यूटर, या व्हाई हैवंट यू रिपेयर्ड, व्हाई हैवंट लगा दीजिए, व्हाई हैवंट यू गॉट दिस कंप्यूटर रिपेयर्ड येट भी अच्छा है, अब तक क्यों नहीं करवाया? ओके सर, आई हैव क्वेश्चन सर, ये जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है क्या? और इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों. यस सर, मतलब जहाँ सेंस नहीं का हो. हाँ, पक्का, अब तक मैंने नाश्ता नहीं किया है. बट सर यहाँ पे गॉट भी आ गया और रिपेयर्ड भी आ गया. आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सर, प्रेजेंट परफेक्ट है. गॉट इज फॉर हैव. यहाँ इन्होंने क्या पूछा? मैंने अभी शुरू में कहा था कि यहाँ तक तो हमें टेंस को फॉलो करना है. तो यहाँ ये परफेक्ट वाला तो अपने आप थर्ड फॉर्म लेता है ना, तो ये थर्ड फॉर्म, ये टेंस का थर्ड फॉर्म है. और उसके बाद तो हमें पैसिव वाला थर्ड भी एक लगाना है. यहाँ तो ये कभी आईएनजी भी हो जाएगा, जैसा टेंस वैसा ही हो जाएगा. जैसे कि कंप्यूटर क्यों नहीं रिपेयर करवा रहे हो जाएगा जी. गेट हम लोग दूसरों से कुछ काम करवाना है तब यूज करते हैं ना. खैर गाइस, मैं और थोड़ा पूछ लूं आपसे, ये कंफ्यूजन है, बट कुछ ऐसे होते हैं जो लगते हैं कि हमें, जैसे उन्होंने बोला कि पैसे उधार दिलवा दो, लग तो रहा था कि गेट में बनेगा, लेकिन अगर बनाते भी तो प्रोफेशनल नहीं लगता, अजीब लगता. तो ऐसा भी आप ना करें कि बाहर हंसी का पात्र बन जाए, लोग मजाक बना दे कि कुछ ज्यादा ही गेट वेट लगा के कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो उसे ही नहीं होना चाहिए, उसे ही नहीं होगा मतलब. ओके, तो हमने, मैंने अगर हेल्प उठाया तो हेल्प भी कॉजिटिव है, हेल्प का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर हो गया. ओके, और हेल्प में भी देख लेते हैं, कुड यू हेल्प मी
कंप्लीट दिस वर्क, अगर मैंने ऐसे बोला कंप्लीट दिस वर्क, तो इसका मतलब भी वही है कि क्या आप हिंदी में सोचो तो क्या आप इस काम को, मतलब इस काम को कंप्लीट कराने में मेरी मदद करेंगे, ये वाली फीलिंग देता है। और अगर वैसे हिंदी देखे तो क्या आप इस काम को कंप्लीट करवा देंगे प्लीज, तो करवा देंगे मतलब कि हेल्प वाले फीलिंग में, कि हेल्प करके करवा देंगे, तो इसमें हेल्प आ जाता है। फाइन गाइस, चलिए अब टेंस पे और आते हैं कि मैं 2 साल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? अच्छा, कई बार हमें ये 2 years 3 years नहीं दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा कि भाई वो तो मेहनत करता आ रहा है, वो तो कई बार ऐसा भी आता है। वो तो भाई क्रिकेट खेलता आ रहा है। तो कई बार ऐसे लिखा हो तो भी इससे पता चल जाएगा कि अच्छा लंबे समय से है, इससे पता चल जाएगा कोई काम चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। सर ये एक्टर वगैरह के साथ लिखा आता है, एक्टिंग कर रहे हैं काफी नहीं, कुछ वो काफी चीज आती है नीचे में। तो कई बार लोग टाइम दिखा देते हैं, कई बार टाइम नहीं दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूं, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि I have been watching you buddy, किसी ने ऐसा बोल दिया, मैं तुम्हें देखते आ रहा हूं। हां, I have been watching you बेटा, नजर रख रहा हूं मैं तुझ पे, रख रहा हूं मतलब अभी नहीं रख रहा हूं, रखता आ रहा हूं, पहले से रख रहा हूं। तो ये बड़ा अच्छा ये भी है। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि टेंस में एक छोटी सी कमी भी आपको ना रहे, और देख लेते हैं पास्ट को उठा लेते हैं। अगर बोलना है कि कल तू ऑफिस क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया, कैसे होगा, फटाफट कैसे होगा? Why didn't you go to office yesterday? Fine. अब बोलना है कि मैं ऑफिस जा रहा था, I was going to office. Fine. जब तू ऑफिस गया वहां पर कौन था, कैसे होगा? When you go to office. Who was there? क्या तुम अकेले थे? Were you alone? तुम्हारे साथ कौन था? Who was with you? क्या तुम उस लड़की के साथ वहीं पर थे? Were you with that girl? With that girl. Okay. Were you with that girl there? We can use this type. हाँ जी लग सकता है. Okay. कल तुम्हारे घर कौन आया था रात को 10 बजे? Who came to your home yesterday? सबसे पहले कि yesterday night गलत इंग्लिश है, last night होता है। दूसरी चीज कि जिन लोगों ने who did किया है और दीपिका ने has come पता नहीं क्या क्या कर दिया, तो वो कृपया ध्यान दें कि past indefinite के अंदर आपको जब भी who से कुछ पूछना होगा तो who के बाद direct रट लो, very second आएगा। Past और सर कौन आया है, वो तो करेक्ट है, who has come। मैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट के सारे में नहीं, सिर्फ इंडेफिनिट में। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट है तो डेड आएगा सर।
हाँ जी हाँ जी, समझ गए। ओके तो मैं इसको पूरा ग्रामर में नहीं घुसना चाहता, मैं चाहता हूँ लॉजिक समझ ले एक बार। ओके तो अगर मुझे अचानक बोलना है कि अच्छा एक बात बता, कल तू ट्रबल में था, प्रॉब्लम में था, तो तेरी मदद किसने की? तू प्रॉब्लम में था, you were in problem. So, तेरी मदद किसने की? Who helped you? तेरी मदद किसने की? इस तरीके से। ओके तुम्हारे लिए चाय किसने बनाई? अब कैसे होगा? Who? सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में है। अगर मैं इसी को कह दूं कि तुम्हारे लिए चाय कौन बना रहा था, तब नॉर्मल है। तुम्हारा कॉलर किसने पकड़ा भैया? ओके किसने गाली दी आपको? और आपने किसको गाली दी? अब मैं तो कहता हूँ कि आप ये हु और होम का चक्कर खत्म ही आज कर लो। मतलब तीनों आइटम में नहीं लेगा। अच्छा देखिए, हुम का मतलब है कि सब्जेक्ट है, मेरे सामने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ने किसी को मारा, बट किसको मारा हमें पता नहीं है, तो हम हुम लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि शीतल ने किसी को थप्पड़ मारा, तो मारने वाली शीतल, लेकिन जो मार खाया वो कौन था उसकी डिटेल निकालनी है, तो हम क्या बोलेंगे? हुम। हम फिर मैं डिड लगा के इनका नाम लूंगा, हुम डिड यू स्लैप यस्टरडे। ओके ऐसे। लेकिन अगर किसी ने थप्पड़ इनको मार दिया, तो मैं फिर उसकी डिटेल लूंगा कि अच्छा आप मार खाए हो, लेकिन मारने वाला कौन? ये फर्क है। मतलब कि आपने कुछ किया किसी के साथ, तो जिसके साथ हुआ उसकी डिटेल निकालेंगे, तो हुम, समझ में रहे? आपके साथ अगर किसी ने कुछ किया, उस करने वाले का डिटेल निकालेंगे, तो हु। ये है। एक बार करके देखते हैं। जैसे मैं अगर ज्योति जी से पूछूं कि आपकी कार को किसने हिट किया, तो हिट करने वाला कौन, मैं वो जानना चाहता हूँ, तो मैं हु बोलूंगा कि हु हिट योर कार। और मैं बोलूं ज्योति जी आपने हिट किया, लेकिन आपने किसकी कार को हिट किया, किसको आपने हिट किया, कार छोड़ दो, आपने किसको हिट किया, किसको मतलब होम, होम डिड यू हिट, होम डिड यू हिट, इस तरीके से। आपने कल किसको गाली दी, मतलब गाली दी आपने, और किसी को तो दी होगी ना, वो बंदा कौन है? तो होम डिड यू अब्यूज, होम डिड यू अब्यूज। और किसने आपको गाली दी, वो बंदा कौन है? तो हु abused you, okay? आपने किसको इनवाइट किया कल? Whom did you invite yesterday? और किसने आपको इनवाइट किया? Who invited you? आपको किसने बताया? Who told you? और आपने किसको बताया? भाई करने वाले आप है, अब आपने जिसको बताया तो उसकी डिटेल पूछूंगा, तो मैं होम से पूछूंगा। जैसे कि आपने मान लो किसी को कुकिंग सिखा दिया, सिखाने वाले आप है, मैं बोलूंगा ना आपने किसको सिखाया, भाई किसको सिखाया? होम डिड यू टीच कुकिंग। और आपको किसने सिखाया कुकिंग? आप बोले तो मैं फाइल आपको भेज सकता हूँ। यस सर। एक बार हिंदी लिख दीजिए सर, एक बार। अच्छा ऊपर वाले की हिंदी है, आपने किसको कुकिंग सिखाया है? नीचे वाला इज आपको किसने सिखाया? आपको किसने कुकिंग सिखाया? This is
ठीक है जी। अब मैं फास्ट आता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है। कौन जा रहा है, फास्ट, हु इज गोइंग, कौन जा रहा था, हु इज गोइंग, हु वाज गोइंग, हु वाज गोइंग, ओके। कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग, हु आर प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग, ओके। मैं इस क्लास का नाम रख दूं रिवीजन, 7 पीएम बैच है, ठीक है, ओके। तुमसे कौन मिलना चाहता है, Who wants to meet you? Who wants to meet you? तुमने किसको परेशान किया? Whom did you? Whom did you bother? Whom? क्योंकि आपने किया वो बंदा, whom did you bother? आपको किसने परेशान किया? Who bothered you? Who bothered you? Okay, आपने क्या खरीदा? What did you purchase? आपने क्यों खरीदा? क्यों खरीदा? Why did you purchase? आप कब खरीदोगे? When will you purchase? कोई भी नहीं आएगा। When will you purchase? Let me say. क्या क्या सर? When will you purchase? क्या तुम बस स्टॉप पे होंगे? कल आने वाले कल में तुमसे कौन बात कर रहा होगा? मुझसे काम मत करवाओ। Don't make me do this work. ओके। और मुझसे काम करवाया गया अब? I was made to do this work. Okay, I was made to do this. Fine. Fair enough, guys. ठीक है, तो next batch is waiting. मजा आया, okay? तो मैं कल क्या करेंगे इस रिकॉर्डिंग को सेम करेंगे।